नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र भविष्यवाणी 2023 में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के माया जाल से बचाएंगे, रूठी किस्मत को मनाएंगे, हर हाल में सुख दिलाएंगे, 2023 के महा उपाय देखिए कालचक्र भविष्यवाणी 2023। जी हाँ, अब तक कालचक्र में आपने राशि अनुसार हर महीने का लेखा जोखा, ग्रहों की स्थिति, सेहत, कारोबार और नौकरी अनुसार साल 2023 का हालचाल जाना। लेकिन राशि अनुसार कौन से उपाय साल 2023 में आपके लिए आपको बेमिसाल बना देंगे, 2023 में किस महा उपाय से कमजोर ग्रह भी शुभ फल देंगे, किस पूजा पाठ से मिलेगा सभी देवी देवताओं की महाकृपा और किस महा उपाय से दूर होगा हर तरह का वास्तु दोष, ये सब बताएंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो आज कालचक्र भविष्यवाणी 2023 में हम यही सब जानेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, हमसे बात करना चाहते हैं, पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। और चलिए अब आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और राशि अनुसार सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही अच्छी आर्थिक स्थिति और अच्छी सेहत के लिए इस साल कौन से उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, मेष राशि देखिए, वैसे तो साल के प्रारंभ से लेकर के अभी तक किसी न किसी टॉपिक पर हम आपको पूरे साल की भविष्यवाणी बता रहे हैं, लेकिन आज हम ये बताने वाले हैं कि अशुभ ग्रहों को शांत करके कैसे आप अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। मेष राशि के जो जातक हैं, 2023 में अशुभ ग्रहों की शांति के लिए कुछ उपाय करें जिससे उनके वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति, सेहत, संपत्ति और परिवार पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। हर मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और अगर थोड़ा सा भी कर्ज हो तो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का भी पाठ सुबह शाम कर लेना चाहिए। बुधवार की शाम काले तिल का दान आप किसी धर्म स्थान में कर सकते हैं और महामृत्युंजय यंत्र को घर में स्थापित करके हर रोज उसकी आप पूजा कर सकते हैं। पढ़ाई या प्रतियोगिता में सफलता के लिए पीले चावल बनाकर देवगुरु बृहस्पति और माँ सरस्वती की पूजा करें। पढ़ाई में किसी भी तरह की रुकावट से मुक्ति पाने के लिए हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और 100 ग्राम देसी कपूर किसी मंदिर में आरती के लिए दान करें। अपने बड़ों की सेवा करना ना भूलें। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो गुड़ खाकर घर से निकलें। आत्मविश्वास कमजोर है तो सूर्य को तांबे के लोटे से 3 बार में ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए जल चढ़ाएं। वैवाहिक जीवन में तनाव है तो हर शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ करें। शुक्रवार को सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री भी दे सकते हैं। हर रोज नहाने के बाद अपनी नाभि में इत्र लगाना न भूलें। सेहत साथ नहीं दे रही है तो गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बुधवार को किसी मजदूर को 600 ग्राम साबुत मूंग दान करना चाहिए। फिटकरी से कुल्ला करना चाहिए। परिवार में कलेश है तो गुरुवार को चने की दाल, साबुत हल्दी मंदिर में दान करना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 10 मिनट वहीं बैठें, ओम नमः शिवाय का जप करें। रुद्राक्ष की माला भी अपने पास जरूर रखें। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेंगे और आपका भाग्योदय कराएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब मेष राशि के बाद बारी है वृषभ राशि की, यानी वृषभ राशि वालों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए
साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने होंगे, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहे तो श्री सुक्तम का भाव विभोर होकर के प्रातः सायं पाठ करिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह। ओम तामयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम विंदेयम गामस्व पुरुषानहम। अर्थात श्री सुक्त को भाव विभोर होकर के तन्मयता के साथ महालक्ष्मी का अपने हृदय में ध्यान रखते हुए तब इसका पाठ आप करिए। इसमें आनंद चिकलीत करदम जो शब्द है ये लक्ष्मी के पुत्रों का नाम है और ये नाम जिस घर में लिए जाते हैं वहाँ कभी दरिद्र नहीं आता है। अपने घर में आपको स्फटिक या पारे का श्रीयंत्र स्थापित करना चाहिए, उसकी हर रोज़ पूजा करनी चाहिए। श्रीयंत्र का शंख में जल भरकर, दूध भरकर, गन्ने का रस भर के, शहद दही घी भर के अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध जल से धो करके वस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। शनिवार के दिन चींटियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो हर रोज़ आपको फिटकरी से दांत साफ करना चाहिए। अपनी बहन का सम्मान करना चाहिए। साल में एक बार किन्नरों को कुछ दान जरूर करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कलेश है तो लगातार 3 शुक्रवार पानी में दही डालकर स्नान करें, मीठी दही का सेवन करें। घर में बहुत झगड़े होते हैं तो गणेश मंदिर में साबुत मूंग का दान करें या हर बुधवार पंछियों को साबुत मूंग डालें, लेकिन ये काम आप अपने घर की छत पर बिल्कुल ना करें। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे इसके लिए शनिवार को काली गाय को चारा खिलाएं। काली गाय को गुड़ और रोटी भी खिलाना आपके लिए भाग्योदयकारी रहेगा। लगातार 7 शनिवार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। परिवार में मनमुटाव चल रहा है तो कच्चे दूध में चंदन घिसकर उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं। 2023 में कोई भी काम या कोई भी फैसला जल्दबाजी में आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक उपाय ऐसा मैं बता दूं जिस उपाय से आपका पूरा जीवन एकदम अच्छा हो जाए तो वो उपाय ये है कि आप दुर्गा सप्तशती में चंडी कवच नाम से कवच का पाठ है, दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ कर लें, दुर्गा के 108 नामों का पाठ कर लें और उसके बाद इतना करने के बाद क्षमा प्रार्थना पढ़ लें। बस ये 3 उपाय कर लें तो शायद पूरा साल आपका मंगलमय हो जाएगा। कवचे ना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयम सर्वकामिक यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। वृषभ राशि के जातकों के लिए दुर्गा उपासना वरदान साबित होती है और जब वृषभ राशि के जातक भगवती दुर्गा की आराधना और साधना करते हैं तो उनके जीवन के सारे कष्ट अपने आप मिट जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा गायब हो जाता है, उसी तरह से दुर्गा की उपासना से वृषभ राशि के जातकों के जीवन के संकट टल जाते हैं। वृषभ राशि के जो जातक भगवती की आराधना करते हैं उनके जीवन में कभी तकलीफ नहीं होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि के बाद अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों को साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने होंगे, साथ ही 2023 में रोगों से मुक्ति पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब बारे मिथुन राशि की। देखिए, अब मिथुन राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूँगा। आत्मविश्वास, अगर मिथुन राशि के आप जातक हैं, आपकी नाक तोते की तरह है, आप न तो गौर वर्ण हैं न तो श्याम वर्ण हैं,
बल्कि हरित वर्ण है, कम बोलते हैं और आत्मविश्वास कमजोर है, तो आपको चाहिए कि हर रोज तांबे के लोटे में कुमकुम, चावल, लाल फूल, दुर्वा डाल करके सूर्य को 3 बार में सूर्योदय के समय जल दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार कहते हुए, और उसके बाद लोटा रख करके पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार गायत्री मंत्र उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रहे गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, थोड़ा सा फेस स्माइलिंग रहे, 1 सेंटीमीटर मुंह फैले, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि 24 दिनों के बाद किसी तरह का डिप्रेशन, किसी तरह की एंजाइटी आपके जीवन पर हावी नहीं हो पाएगी। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अगर रोज कर सकते हैं तो ये आपके लिए अति सुंदर होगा। लेकिन अगर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ नहीं भी आप कर पाते हैं और सिर्फ सूर्य को जल देकर 24 बार गायत्री या हाथ उठाकर करते हैं, तब भी आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, ऐसा मेरा कथन है। और राम नाम लिखने वाली एक किताब आती है, वो किताब अगर आपको मिल जाए और आपके पास समय खाली रहे तो कम से कम 108 बार लाल कलम से रोज आपको राम राम लिखना चाहिए। इसको लिखित जप कहते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। जब तक आप राम राम लिखेंगे तब तक राम का चिंतन आपके मन मस्तिष्क में बना रहेगा। परिवार में कलेश है तो घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। पढ़ाई में मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो गाय को पालक खिलाना चाहिए या हरी मूंग खिलानी चाहिए। वैवाहिक जीवन में अशांति है तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। रोग परेशान कर रहा है तो गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़े इसके लिए शहद का सेवन करना चाहिए, हर रोज़ दही चीनी का सेवन करना चाहिए। 2023 में बुधवार, गुरुवार और रविवार को गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। आपके कार्यों में रुकावट आ रही है तो हनुमान मंदिर जरूर जाएं। आर्थिक क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो गुरुवार का व्रत जरूर रखें। और यदि इतने उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक उपाय मैं आपको बताता हूं जो सारे संकटों से आपको मुक्त कर देगा। वो उपाय है विष्णु सहस्र नामावली का पाठ। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए विष्णु सहस्र नामावली का पाठ अगर आप सुबह शाम करना नियम से चालू कर देंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आपकी मिथुन राशि है तो आपके जीवन में किसी तरह का कोई संकट कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों को साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने होंगे, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, बताइए। देखिए, कर्क राशि के जातकों के विषय में बात करना चाहूँगा। अगर आप सुखी पारिवारिक जीवन चाहते हैं तो आपको पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए, और हो सके तो पूर्णिमा का व्रत करके सायंकाल अपने घर में सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा का भी आयोजन करना चाहिए। 5 पूर्णिमा जो लोग सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा अपने घरों में कर लेते हैं उनके घर से ऋण, रोग, दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। सोमवार को भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप का पूजन करना चाहिए। शिव सहस्र नामावली और शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे कारोबार में भी लाभ मिलेगा और सेहत में भी सुधार होगा। चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन यदि आपकी कुंडली में आपको परेशान कर रहा हो, आपके मन में नेगेटिविटी ने घर बना लिया हो,
नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो गई हो तो आपको शिव तांडव स्त्रोत पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डम निनाद वमर वयम चकार चंड तांडव तनो तुन शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ललाट पट पावके किशोर चंद्र से खरे रति प्रतीक्षण मम। कहने का आशय यह है, शिव तांडव स्त्रोत पढ़ते समय दोनों हाथों में बेलपत्र सफ़ेद फूल भर करके ले लीजिए और जब शिव तांडव समाप्त हो तो मंत्र पुष्पांजलि शिवलिंग पर गिरा दीजिए। ये एक इतना बड़ा उपाय है जो आपकी सारी समस्याओं का अकेले समाधान कर सकता है। अगर परिवार पर कोई एकाएक बड़ा संकट आ गया है तो आपको लगातार 8 मंगलवार 1 किलो गेहूं 800 ग्राम गुड़ हनुमान मंदिर में दान देना चाहिए। रविवार को किसी मंदिर में पीपल का पौधा लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कलेश है तो संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको गुस्सा बहुत आता है और आपके रिश्ते टूट जाते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत लाभ मिलेगा। करियर में रुकावट आ रही है तो लगातार 9 गुरुवार अपनी क्षमता अनुसार देसी घी मंदिर में दान करें। गुरुवार को नहाने वाले पानी में हल्दी डालकर स्नान करें या स्नान करने के बाद अपने माथे से हल्दी का तिलक लगाएं। 2023 में ज़्यादा ना सोचें, संयमित रहें। करियर में सफलता पाने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। काम में रुकावट आ रही है तो काले रंग के कपड़े दान करें। और आपको बताऊं, एक उपाय अगर करके आपको सफल होना है तो वो उपाय ये है कि आप नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर किसी शिवालय में जाएं और शिवालय में जा करके जल दूध बेलपत्र और घी के दिया से शिवलिंग का पूजन करें और वहीं शिवालय में उत्तर मुंह बैठ करके किसी आसन पर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस तरह से बोलते हुए 24 मिनट मंत्र जप करें। लगातार 40 दिनों तक ये उपाय आप कर दीजिए, पूरे साल आनंद की बंसी बजाइए, कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। इस बात की पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहूँगा, लेकिन ये काम शिवालय में होना चाहिए, शिव मंदिर में नहीं। शिव मंदिर और शिवालय में अंतर है। शिवालय उसको कहते हैं जो पिरामिड के आकार का होता है, जिसमें मध्य में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित होता है और बाहर नंदी की स्थापना होती है। और शिव मंदिर वो है जिसमें भगवान शिव के साथ गणेश, दुर्गा, राधा कृष्ण, राम कृष्ण, राम सीता, बजरंगबली सबके चित्र लगे होते हैं। वो मंदिर है। मंदिर में जाने की बात नहीं कह रहा हूँ, शिवालय में जाने की बात कह रहा हूँ। शिवालय कोट्य से शिवालय में किया हुआ जब 1 करोड़ गुना फायदेमंद होता है, इसलिए शिवालय में जाने की बात कह रहा हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। इंसान अपने सही फैसलों से ही आगे बढ़ता है। सही दिन सही समय पर की गई कोशिश आपको सफल बनाती है और इसीलिए आज हम 12 राशि वालों को बता रहे हैं कि इन्हें साल 2023 में गृह शांति के लिए कौन कौन से उपाय करने होंगे, देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए कैसी पूजा पाठ करनी चाहिए और हर दोष और बीमारी से बचने के लिए कौन से उपाय करने होंगे, यही बता रहे हैं आपको पंडित जी। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो इस साल सिंह राशि वालों को 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने होंगे, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूँगा। वैसे तो सिंह राशि के जातकों का विवाह जो होता है वो ठीक होता है। सिंह राशि के जातकों के विवाह में कलेश नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए बाई टू 1% आपकी सिंह राशि है और आपके वैवाहिक जीवन में कलेश है, तो हर गुरुवार को नहाने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके
आपको स्नान करना चाहिए। आपकी सिंह राशि है, आप पूरी दुनिया को एडजस्ट करना जानते हैं, इसलिए आप अपने जीवन साथी को भी एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए तनाव तो नहीं होता है। लेकिन अगर तनाव है तो दो चुटकी हल्दी पानी में डालकर अगर बृहस्पतिवार को स्नान करेंगे तो ये तनाव दूर हो जाएगा। आपका अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कुछ खराब ग्रह दशा चल रही है, केतु राहु की दशा चल रही है, षष्ठेश द्वादशेश की दशा चल रही है और परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं, आपका स्वाभिमान घायल हो रहा है, तो थोड़ा सा तकलीफ तो ज़रूर होगी, लेकिन एक पतली सी सोने की चैन गले में धारण कर लीजिए। सोने की चैन धारण करने से निःसंदेह आपका भाग्य आपका सहायक बन जाएगा और हर समय आपको सोने की चैन गले में धारण करनी चाहिए। इससे कारोबार में भी लाभ मिलने लगेगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर कोई रिश्ता है जिसमें तनाव और गलतफहमी है तो काले तिल, साबुत उड़द की दाल और सरसों के तेल के साथ ये शनि मंदिर में दान करना चाहिए। आत्मसम्मान या आत्मविश्वास में कमी आ गई है तो हर रोज सूर्य को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्याष्टक का पाठ करिए और हो सके तो गाय के घी, शहद और चीनी से गायत्री मंत्र के द्वारा 108 आहुति चांदी के चम्मच से तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके आपको हवन भी करना चाहिए। ये हवन सिर्फ और सिर्फ 40 दिन होने पर आप आत्मविश्वास से सराबोर हो जाएंगे। अगर आप बहुत बीमार हैं तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप करिए। पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही है तो हर बुधवार को भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाइए और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। आर्थिक स्थिति कमजोर है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है तो माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, अष्टलक्ष्मी के नामों का जप करिए, श्री सूक्त कनक धारा स्त्रोत का पाठ अपने जीवन साथी से करवाइए और सेहत अगर खराब रहती है तो अस्पताल या अनाथालय में भोजन का दान करिए। करियर या कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है तो अपनी वर्क डेस्क पश्चिम दिशा में रखें और वृद्धाश्रम में अन्नदान करें। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है कन्या राशि की, तो कन्या राशि वालों को साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने होंगे, साथ ही घर से हर परेशानी को दूर करने के लिए कौन से महा उपाय करें, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूँगा। 2023 में शनि कृपा पाने के लिए हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों का तेल आपको दान करना चाहिए। ओम सन्नो देव रविष्ठ आपो भवंत पीतये संयो रविस्त्रवंतु नः। आप सोच रहे होंगे कि मुझे शनि का क्या, न मेरे ऊपर 7.5 है न ढैया है, तो शनि का इफेक्ट क्या हो सकता है कि आपके ऊपर 7.5 नहीं है, हो सकता है आपके ऊपर ढैया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके ऊपर शनि की महादशा हो, शनि की अंतरदशा हो, तो इसलिए शनि देव को प्रसन्न करने में कोई बुराई तो नहीं है ना। लगातार 3 शनिवार मजदूरों को भोजन कराइए। जिसका शनि खराब हो अगर वो मजदूरों के लिए 7 सप्ताह लगातार लंगर लगवा दे और लंगर में भी कचौड़ी, आलू की सब्जी, काली उड़द के दाल की खिचड़ी और काले गुलाब जामुन, अगर इन चीज़ों की व्यवस्था करके 7 शनिवार कोई लंगर लगवा दे मजदूरों के लिए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कैसा भी आपका व्यवसाय अगर ठप पड़ गया होगा तो फिर से आपके व्यवसाय में जान आ जाएगी। वैवाहिक जीवन में कलेश है तो परिवार में सुख शांति के लिए विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करिएगा। अगर आपके अंदर अहंकार बढ़ रहा है तो वाणी में कटुता बढ़ रही है, आपके झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो हर रोज़ अपनी जीभ में केसर का तिलक लगाइए। ऐसा करने से आपकी बातों से नुकसान कम से कम होगा। तनाव और बेचैनी रहती है तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे आपका व्यवहार भी ठीक रहेगा और सही फैसले भी आप ले पाएंगे। मन में असुरक्षा की भावना रहती है तो शनि मंदिर जरूर जाना चाहिए और वहाँ जा कर के शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए।
या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब कन्या राशि की बात, बारी आ गई है तुला राशि की। तो तुला राशि वालों को साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से वास्तु दोष को भी दूर करने के लिए इस साल घर में कौन सी चीज लगानी चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, अब बारी है तुला राशि की। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है और आपकी सोच नकारात्मक हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शनि और चंद्रमा का संबंध आपकी कुंडली में हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शनि और चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है जिसके कारण आप अच्छी बातों में भी नकारात्मक विचार रख रहे हैं। अगर ऐसा है और निगेटिविटी बढ़ रही है तो चांदी का कोई भी सामान हर रोज़ आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि चांदी के गिलास में आपको पानी पीना चाहिए। शनि कृपा पाने के लिए सरसों के तेल का दान करना चाहिए। और किसी चीज़ को लेकर के अगर दिमाग में आपके भ्रम है या फिर जाने अनजाने में आपकी संगत गलत हो गई है और अब आप चाह करके भी उससे निकल नहीं पा रहे हैं, गलत फैसले लेने के कारण आप परेशान हैं, तो 11 शनिवार को कुत्तों को दूध आपको पिलाना चाहिए। लाल रंग के कपड़े कम से कम पहनने चाहिए। मंदिर में बेसन के लड्डू या केले दान करना चाहिए। शुक्रवार को पानी में इत्र डालकर स्नान करना चाहिए। परिवार में शांति रहे इसके लिए गुरुवार को मीठे चावल बना करके कौओं को खिलाना चाहिए। सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस तरह से भगवती दुर्गा की भी आराधना करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आप नित्य दुर्गा सप्तशती के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय का पाठ करना शुरू कर दें तो 6 महीने के अंदर आप जिंदगी की उस बुलंदी को छू लेंगे जिसकी कल्पना आपने कभी स्वप्न में नहीं की होगी। दुर्गा सप्तशती के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय का संस्कृत में पाठ करें और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें तो आपके जीवन में वो उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा जिसकी आपने कभी परिकल्पना नहीं की होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए साल 2023 को बेमिसाल बनाने और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने होंगे। तो पंडित जी, अब हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की, तो इन्हें क्या कुछ उपाय करने होंगे। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, अगर आपकी सेहत खराब है, वृश्चिक राशि वालों की एक सेहत खराब होती है ज्यादा, 90% लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है। वृश्चिक राशि का इस पार जो है वो नेवल पे, नाभि पे होता है, नाभि पर समान वायु होती है और समान वायु जब ठंडी हो जाती है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो अक्सर देखा जाता है कि वृश्चिक राशि के जातक डाइजेशन के पेशेंट होते हैं और इसके कारण सेहत खराब होती है। तो अगर आपकी भी सेहत खराब है तो संकट मोचन स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए। शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए हर शनिवार को काली चींटियों को आटा डालना चाहिए। परिवार पर किसी तरह का संकट है तो हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 10 बार जरूर करना चाहिए। आत्मविश्वास कम हो रहा है तो पानी में कुमकुम डाल करके सूर्य को अर्घ जरूर दें और 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। सेहतमंद रहने के लिए अधपका खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अपनी भावनाओं और स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। सोमवार को काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। पितरों की कृपा प्राप्त हो इसके लिए पूर्वजों की नियमित पूजा करनी चाहिए और हर रोज मंदिर जाना भी चाहिए। और हर तरह से आपका जीवन अच्छा हो इसके लिए आपको ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और नवग्रह स्त्रोत का पाठ करना भी आपके लिए परम लाभकारी साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो अब बारी है धनु राशि की। तो पंडित जी, धनु राशि 2023 को बेमिसाल बनाने, ग्रहों के बुरे प्रभाव से ये कैसे बचें। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2023 को बेमिसाल अगर बनाना है
किस्मत का साथ पाना है तो सबसे पहले शनि कृपा पाने के लिए हर शनिवार को शनि मंदिर की सफाई जरूर करें। अब आप कहेंगे कि मेरा तो शनि जो है 7:30 से उतर गया, आप क्यों पंडित जी बता रहे हैं कि शनि की शांति कराने के लिए। ये सच है कि कल 5:04 पर परसों 17 तारीख को शाम को 5:04 पर आपके राशि से शनि की 7:30 समाप्त हो गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शनि आपको कहीं नहीं प्रभावित कर रहा होगा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि की महादशा हो सकता है कि शनि की अंतरदशा हो सकता है शनि की प्रत्यंतर दशा हो, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना। 7:30 तो एक बात है और बहुत सी बातें हैं, तो इसलिए शनि की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को शनि मंदिर में श्रमदान करना चाहिए। करियर में सफलता पाने के लिए हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़े इसके लिए पीले, नारंगी और लाल रंग का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। अपनी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति के मंत्रों का नियमित जप करना चाहिए। गुरुवार को श्री राम चालीसा का पाठ करना चाहिए। सेहत का साथ पाने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व में निखार के लिए पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। घबराहट होती है, बड़े बदलावों से आपको डर लगता है, तो गायत्री मंत्र का नियमित जप जरूर करना चाहिए। अगर आप धनु राशि के जातक हैं और गायत्री कवच का रोज पाठ करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन की सारी मुश्किलों का समाधान एक सप्ताह के अंदर मिल जाएगा। गायत्री कवच का रोज पाठ करने के बाद जीवन में कोई कष्ट आपके नहीं रहेगा और हर प्रकार से आप सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों को साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करने होंगे, पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, मकर राशि, अब आ गए हम मकर राशि में। मकर राशि शनि देव की राशि है और शनि की 7:30 का अंतिम चरण आप पर शुरू हो रहा है, मतलब 2.5 साल और 7:30 आपके ऊपर रहेगी। ऐसे में हर शनिवार को आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। गाय को हरा चारा और थोड़ा सा गुड़ भी खिलाना चाहिए। गाय को इतना हम सेवा करने के लिए क्यों कहते हैं, आप जानते हैं गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है और गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। अगर किसी के घर बहुत बड़ा वास्तु दोष है और दुर्भाग्य ने डेरा डाला हुआ है, वो अपने दरवाजे पर रविवार को गुनगुने पानी से अगर गाय को स्नान करवा दे तो गाय के नहाने का जो पानी गिरेगा वो वहाँ के पाप को जलाकर राख कर देगा। चींटियों को आटा डालिए भैया। आर्थिक समस्या है तो मंदिर की सीढ़ियों की सफाई जरूर करिए। सेहत खराब रहती है तो शनिवार को उड़द के दाल के पकौड़े बनाकर भूखे लोगों को खिलाइए। वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के लिए अपने जीवन साथी को फूल या इत्र भेंट करिए। सुबह नहाने के बाद नाभि पर इत्र लगाइए। अगर परिवार में अशांति है, अभाव है, तो पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके शाम के समय कम से कम 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मानसिक शांति नहीं है तो शिवलिंग पर काले तिल मिला करके जल चढ़ाएं और कुछ देर वहीं पर बैठें और ओम नमः शिवाय का जप करें। ग्रहों की शांति चाहते हैं तो बिना धुले और बिना इस्त्री किए कपड़े न पहने। आत्मविश्वास की कमी है या मुश्किल समय है तो रुद्राक्ष धारण करें। आर्थिक संकट है तो गुरुवार का व्रत करें। पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए शनिवार को जरूरतमंदों को कंबल दान देना चाहिए। जो लोग मकर संक्रांति के बाद
गरीबों में, बेसहारा लोगों में कंबल और अन्न का दान करते हैं। ऐसे लोग इस जन्म में तो सुखी रहते ही हैं, अगले जन्म में भी अगर उनका जन्म हुआ तो महाराजा बनकर के पैदा होते हैं और हर प्रकार के वैभव से युक्त रहते हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। मकर संक्रांति जो होती है, मकर संक्रांति के बाद किया हुआ दान अक्षय पुण्य को देने वाला होता है और इसमें ऊनी वस्त्रों का दान और अन्न का दान अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान और ऊनी वस्त्र का दान करने वाला व्यक्ति कोटि कोटि पुण्य को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों को साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए, ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने होंगे, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब बारी कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में तो शनिदेव प्रवेश कर गए हैं 5:04 पर 17 जनवरी को। वैसे आपकी राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, जरा सा भी डरिएगा नहीं, शनि आपके लिए बुरे नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कुंभ राशि के जातक करियर में सफलता पाने के लिए बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। अगर किसी कारणवश आपका चंद्रमा शनि केतु राहु के सानिध्य में है तो आपका मन अशांत रहता होगा, तो ऐसे में आपको चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। हर रोज रात में 10 से 15 मिनट तक चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए, जब चंद्रमा निकला हो आकाश में। आप शनि की 7.5 के मध्य चरण में इस साल रहेंगे, ऐसे में शनि कृपा पाने के लिए शनिवार को काले चने बनाकर भूखे लोगों को बांटना चाहिए। शनिवार को शमी के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए, काले चने भिगोकर और गुड़ दोनों बंदरों को खिलाना चाहिए शनिवार को। आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो शुक्रवार को श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति पाठ करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को और कुष्ठ रोगियों को मुफ्त में दवाइयाँ बांटनी चाहिए। कोई संकट आप पर है तो बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। ठंडा और बासी भोजन खाने से परहेज करें, इससे क्रोध नियंत्रण रहता है और समस्या का हल निकल पाता है। कारोबार में कष्ट है, मन में असमंजस है तो हनुमान मंदिर में जाइए और वहाँ पर जा कर के हनुमान जी के सामने बैठ कर के हनुमान बाहुक का या शत्रुंजय लांगुल स्त्रोत का पाठ करिए। करियर में दिक्कत है तो सूर्य की उपासना जरूर करिए। जानते हैं, सूर्य की अकेले उपासना से सारी दुनिया ठीक की जा सकती है। जो लोग नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ देते हैं और प्रातः संध्या अर्थात गायत्री मंत्र का 108 बार जप करते हैं, वो लोग सब प्रकार के विघ्न बाधाओं को पार करके सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। मीन राशि को साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से हर परेशानी को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने होंगे, बताएंगे आपको पंडित जी। तो पंडित जी, मीन राशि, सुख और समृद्धि की कामना के लिए हर शुक्रवार को छोटी कन्याओं को दही चीनी खिलानी चाहिए। अगर आपके घर में छोटी कन्या है तो शुक्रवार को जब उसे शीत न लगे, सुबह सुबह नहीं, दोपहर में 1 चम्मच दही चीनी अगर आप खिला दें और उसका देवी भाव में सम्मान करें तो शायद आपकी मुश्किल दूर हो सके। करियर में सफलता पाने के लिए विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्र नामावली का पाठ लंबा है, अगर आप ये 15 मिनट का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपको राम रक्षा स्त्रोत का एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानन। ये मंत्र आप 108 बार भी अगर कर लें, सिर्फ 5 मिनट लगेगा, तो भी आपके संकट का निवारण हो जाएगा।
आर्थिक संकट है तो पानी में दो चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए प्राणायाम जरूर करना चाहिए। देखिए, सभी राशि के जातकों को बताना चाहता हूँ, यदि आप प्रकृति पर विजय पाना चाहते हैं और प्रकृति को अपने अधीन बनाना चाहते हैं तो आपको प्राणायाम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ, और प्राणायाम कौन सा? नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें 15 सेकंड सांस खींची जाती है, 60 सेकंड सांस रोकी जाती है और 30 सेकंड सांस छोड़ी जाती है, और जिसमें मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत् सप्तुर्वर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र है। इस मंत्र को एक बार में 9 बार पढ़ना होता है। 3 बार नाभि पर ध्यान करके भगवान विष्णु का, 3 बार हृदय पर ध्यान करके भगवान ब्रह्मा का, और 3 बार त्रिकुटी पर ध्यान करके भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। ये प्राणायाम जिस भी किसी व्यक्ति का सिद्ध हो जाता है, उस व्यक्ति को अनायास भविष्य की घटनाओं का ज्ञान होने लगता है और उसकी मनोकामना होते ही उसकी मनोकामना पूरी होने लगती है। ये प्राणायाम कोई साधारण प्राणायाम नहीं है, और इस प्राणायाम को साधने के लिए 1.5 साल का वक्त चाहिए। 1 दिन में ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं, इसके लिए नियमित साधना करना होगा, और कम से कम ये प्राणायाम 5 बार सुबह 5 बार शाम करने का प्रयास करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती चली जाएगी। बृहस्पति के बीज मंत्र का ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इसका जप करना चाहिए। पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए राम स्तुति करनी चाहिए। हर गुरुवार को पीपल के पेड़ की जल में जल चढ़ाना चाहिए। आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो गुरुवार को जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। तनाव घबराहट या भ्रम है तो नित्य गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। करियर में तनाव है, आप अपना करियर बदलना चाहते हैं तो सूर्य को नियमित जल अर्पित करें। परिवार में तनाव है तो अपने बड़ों की सेवा करें। ये सब कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आप अपनी राशि को सुखद और सुभद बना सकते हैं। आपका आने वाला साल मंगलमय होगा। और सब मिला करके अगर एक उपाय आप करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आपको, आप ओंकार का जप करिएगा। आप सूर्य को अर्घ देने के बाद, गायत्री मंत्र करने के बाद ओम, आती हुई सांस पे ओ और निकलती हुई सांस पे म, ओ खींचते हुए सांस पर, म निकलते हुए सांस पर, ओ म ओ म ओ म, इस मंत्र का 10 माला जप आप करिए। 40 दिन के बाद मेरी गारंटी है कि आपकी जीवन शैली पूर्ण रूप में बदल जाएगी। इसको करके देखिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हमारे इस खास कार्यक्रम कालचक्र में आपसे मुलाकात होगी। पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे आपके भविष्य से जुड़ी कुछ और खास बातें। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल भी देखना मत भूलिएगा कालचक्र की एक खास पेशकश। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार।